शिमला जिला के उपमंडल रामपुर के तहत ज्यूरी आईटीबीपी के 43वीं बटालियन और सराहन 19वीं बटालियन के जवान छुट्टी काटकर लगातार आ रहे हैं। इससे प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बीते रोज भी 4 जवान कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अब रामपुर में 25 एक्टिव केस बचे हैं और ये सभी आईटीबीपी के जवान हैं। अब तक रामपुर में कोरोना के कुल 45 मामले आए हैं, जिनमें से 20 ने रिकवर कर लिया है। प्रशासन ने आईटीबीपी अधिकारियों से आग्रह किया है कि वे जवानों को छुट्टी से ग्रुप में आने दिया जाए, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। उधर सेब सीजन को देखते हुए नेपाल और बाहरी राज्यों से मजदूरों को आना जारी हो गया है। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि अब तक रामपुर में बाहर से 250 मजदूरों को लाया गया है, ताकि सेब सीजन प्रभावित ना हो। उन्हें यहां आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय एवं डीएमए के गाइडलाइंस के तहत क्वारंटीन किया जा रहा है। सुरेंद्र मोहन एसडीएम रामपुर ने बताया कि रामपुर उपमंडल में अब तक कोरोना के कुल 45 मामले आए हैं, जिनमें से 20 ने रिकवर कर लिया है। उन्होंने बताया कि सेब सीजन को देखते हुए बाहर से मजदूर लाने की इजाजत दी जा रही है। अब तक करीब 250 मजदूर क्षेत्र में आ चुके हैं। सोलन की सब्जी मंडी टमाटर के लिए तो बेहद मशहूर है, लेकिन अब ये सेब के व्यापार के लिए भी जानी जाने लगी है। व्यापारी यहाँ बाहरी राज्यों से सेब को खरीदने के लिए सोलन की सेब मंडी का रुख कर रहे हैं। इन व्यापारियों को सेब मंडी आकर कोई दिक्कत परेशानी ना हो और सभी सुविधाएं मिले, इसके लिए एपीएमसी द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बेहतर सुरक्षा प्रबंध करने के लिए सुरक्षा कर्मियों का प्रबंध किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण सोलन मंडी में अपने पैर न पसार पाए, इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। सोलन एपीएमसी सोलन के सचिव आर के शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन और परमाणु की सेब मंडी में करीबन 12,000 सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं। बागवानों को उनकी सेब की फसल के बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिसके कारण वे बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया कि सेब मंडियों में कोरोना संक्रमण न फैले, इसलिए सैनिटाइजेशन समय समय पर की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से नो होमगार्ड के सुरक्षा कर्मियों को मंडी में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सेब की बोली में पारदर्शिता हो, इसके लिए विभिन्न टीमें बनाई गई हैं। बोली 8 बजे से पहले आरंभ ना हो, इसके निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बोली के दौरान सुरक्षा कर्मी और होमगार्ड के जवान गश्त पर रहेंगे। हिमाचल में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर हिमाचल सरकार ने हिमाचल की जनता से सुझाव मांगे हैं, जिस पर सोलन कांग्रेस ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सरकारें जनता के सुझाव पर नहीं चलती, बल्कि उन्हें खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम होना चाहिए। कांग्रेस के अनुसार प्रदेश सरकार कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी है और उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि हिमाचल को लॉक करना चाहिए या अनलॉक। सरकार किसी भी तरह से लॉक अनलॉक के ठीकरे को अपने सर पर फोड़ना नहीं चाहती है। वह सोशल मीडिया पर सुझाव मांगकर इतिश्री करना चाहती है। जनता से सुझावों की आड़ में सरकार अपना पासा फेंक कर विफलता के डर से बचना चाहती है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा सरकार को जनता ने इसलिए चुना था ताकि मुख्यमंत्री और मंत्री प्रदेश हित में निर्णय ले सकें, लेकिन प्रदेश सरकार आज भी हिमाचल में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर जनता से सुझाव मांग रही है, जो साबित करता है कि प्रदेश सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ाने थे या बिजली की दरें बढ़ानी थी, तब तो प्रदेश सरकार ने हिमाचल की जनता
से सुझाव नहीं मांगे और दाम तुरंत बढ़ा दिए, लेकिन अब वे विफलता के डर से प्रदेश की जनता से सुझाव मांग रहे हैं, जो तर्क संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार अनलॉक करने की सोच रही है और प्रदेश सरकार लॉकडाउन करने के सुझाव मांग रही है। उपमंडल गोहर की सब्जी मंडी चौल चौक को कल से पूर्ण रूप से शुरू कर दिया जाएगा। वो किसानों की फसलों को खेतों में खराब ना हो, इसको लेकर सचिव कृषि उपज मंडी स्मृति भूपेंद्र ठाकुर ने स्थानीय आढ़तियों के साथ बैठक कर ये निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि गोहर क्षेत्र में चारों तरफ कोरोना के पॉजिटिव मामले आने से क्षेत्र में हड़कंप मचा है। हर रोज दर्जनों मामले कोरोना के पाए जा रहे हैं। इसी के चलते चौल चौक सब्जी मंडी के व्यापारियों ने सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया था। जिला प्रशासनिक अधिकारी के हस्तक्षेप से सब्जी मंडी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सब्जी मंडी के चुने हुए सदस्यों ने हिस्सा लिया। वो बैठक में सब्जी मंडी को कल से इस मई में कुछ बदलाव के साथ ही खोलने को लेकर निर्णय लिया गया, ताकि यहाँ के किसानों की फसल खेतों में खराब ना हो। अब सब्जी मंडी में बैठक के लिए लिए गए निर्णय में 4 बजे से पहले अपना माल सब्जी मंडी में लाना होगा। सब्जी मंडी में अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया गया तो उसका 100 रुपए का कटेगा चालान। सब्जी मंडी में समय को लेकर भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें किसानों को अब 4 बजे से पहले अपना माल सब्जी मंडी पहुंचाना होगा। 4 बजे के बाद सब्जी मंडी में आने वाले किसानों से नहीं लिया जाएगा उनका माल। उसके बाद 4 से 7 बजे तक माल गाड़ियों में लोड होगा।